हिंदी सिनेमा की एक हसीना जो बोल्ड थी, बिंदास थी, दिलकश थी। 70 और 80 के दशक में उनका सिक्का चलता था। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ग्लैमरस गर्ल परवीन बाबी की। 12 साल पहले आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। परवीन बाबी की जिंदगी तन्हाई और दर्द से भरी हुई थी। जितनी जल्दी बॉबी बॉलीवुड की सुपरस्टार बनी, उतनी ही जल्दी इनकी जिंदगी का अंत भी हो गया। तो एक नजर डालते हैं परवीन बाबी के सफरनामे पर। एक हसीना जो बोल्ड थी, बिंदास थी, दिलकश थी और कभी बॉलीवुड पर चलता था उसकी अदाओं का जादू। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब बिखरे रिश्ते के दर्द के साथ उसे मिली गुमनाम मौत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा परवीन बॉबी की। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। परवीन अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद पैदा हुई थी और वह इकलौती संतान थी। उन्होंने अपने पिता को 7 साल की उम्र में ही खो दिया था। हमेशा अपनी शर्तों पर जीने वाली परवीन बॉबी एक दिलकश और हसीन अदाकारा थी। इंजेक्शन, मर रहा हूं, ओ, जल्दी से इंजेक्शन। भाई साहब, आप लीजिए, मैं इंजेक्शन लेकर आती हूं। प्रवीण ने अमर अकबर एंथनी, मजबूर, काला पत्थर, सुहाग, कालिया, आहिस्ता आहिस्ता और क्रांति जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम कर अपने लिए हिंदी सिनेमा में एक ऊंचा मुकाम बनाया था। प्रवीण बॉबी का नाम डैनी के साथ साथ अमिताभ बच्चन और महेश भट्ट के साथ भी जुड़ा। पर कुछ लोग कहते हैं कि प्रवीण बॉबी की जिंदगी में सिर्फ उनके लिए एक ही अच्छे दोस्त थे और वो थे महेश भट्ट। परवीन का मॉडलिंग करियर 1972 में शुरू हुआ और जल्दी उन्हें 1973 में क्रिकेटर सलीम दुरानी के साथ चरित नामक एक फिल्म करने का मौका मिला। हालांकि यह फिल्म एक फ्लॉप थी, परवीन को इसके बाद कई फिल्मों के प्रस्ताव मिले। आदमी जो कहता है। उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ मजबूर थी। वो सदाएं पीछा करती है। जीनत अमान के साथ साथ प्रवीण बॉबी ने भारतीय फिल्म नायिका की छवि को बदलने में मदद की। नशा जो है शबाब में, शराब में, नशा जो है शबाब में। अपने करियर के दौरान वह एक गंभीर अभिनेत्री की तुलना में एक ग्लैमरस हीरोइन के रूप में अधिक प्रसिद्ध थी। अमिताभ और प्रवीण ने साथ में 8 फिल्में की जिसे काफी कामयाबी मिली। ।1982 में अमिताभ बच्चन के साथ आई उनकी फिल्म नमक हलाल में भी सफल रही। लेकिन इसके बाद से प्रवीण बॉबी ने फिल्मों से दूरी बना ली। सिर्फ आवाज सुनिए, एक औरत की आवाज आती है। एक औरत की आवाज। 1988 में फिल्म आरक्षण में उन्हें आखिरी बार फिल्मों में देखा गया। महेश भट्ट ने 2006 में बनी फिल्म वो लम्हे के माध्यम से प्रवीण के साथ अपने रिश्ते को दिखाया। उनकी दर्दनाक मौत के बारे में बताया जाता है कि जीवन भर सच्चे प्यार को तरसती रही प्रवीण बॉबी 22 जनवरी 2005 को मुंबई के जुहू स्थित अपने फ्लैट में मृत मिली। प्रवीण के घर के बाहर दूध के पैकेट और अखबार पिछले 2 दिनों से जैसे के तैसे पड़े हुए थे और आखिर में बंद घर के अंदर उन्होंने कब दुनिया को अलविदा कह दिया किसी को मालूम नहीं पड़ा। परवीन बाबी काफ़ी अकेली थी। परवीन की ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं था जो हमेशा उनका साथ दे। उनकी ज़िंदगी काफ़ी रहस्यमय थी, यहाँ तक कि उनकी मौत भी अपने पीछे कई राज छोड़ गई। देखते रहिए डीबी लाइव।